चल जाएगी। चलें देखते हैं कितनी देर। वैसे ऑलरेडी बैटरी को जो है ना काफ़ी, तो 1.5 साल हो गया बैटरी का, अभी तक स्टार्ट वगैरह तो ठीक होती है, कोई इशू नहीं आया। पेट्रोल पंप की एक ट्रिक बता दूं कि आपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर किस तरह डलवाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, अचानक ही 5 मिनट पहले मेरे माइंड के अंदर आया कि क्यों ना वीडियो आज की बना के अपलोड करते हैं, क्योंकि गाड़ी का ही कुछ, गाड़ी के मुतालिक ही कुछ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर तो मैं ये बात करूँगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, अगर ज़रूरी काम है तो ही निकलें, अपने बच्चों को इस गर्मी से बचाएँ सब। मैं आपको एक दफ़ा टेम्परेचर दिखाऊँगा, देख सकते हैं आप टेम्परेचर क्या है, 40 आपके सामने 48 हो गया, और टाइम मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये दोपहर के जो है 4:56 हो रही है, ऑलमोस्ट जो हैं वो दिन के 5 हो रहे हैं, शाम के 5 हो रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। और अभी मैं चेक कर रहा थोड़ी देर पहले, ये फील्ड जो है टेम्परेचर ये 50+ था, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो गर्मी से बचने के लिए जो है ना एहतियात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया घरों के अंदर ही रहें, अपने बच्चों को जो है गर्मी से बचाएं। और बात आती है गाड़ी, गर्मी से गाड़ी की जान जाती है, जो है मस्ट डेली बेसिस पर अपनी गाड़ी का ऑयल लेवल चेक करें, उसके अलावा जो रेडिएटर का लेवल है वो लाजमी चेक करें, 2 से 3 मिनट लगते हैं ये दोनों चीज़ों को चेक करते हुए। अगर आप ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपको रोड पर जो है वो रुकना नहीं पड़ेगा, तो लाजमी ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। जिन गाड़ियों के इंजन वीक हैं, चाहे आपकी गाड़ी नई है चाहे आपकी गाड़ी पुरानी है, जिन गाड़ियों के इंजन वीक हैं उनको तो ये ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, अपने पानी का लेवल जो है वो पूरा रखें और ऑयल लेवल। अभी मैं गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ, और सबसे पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल फिल करवाते हैं, पेट्रोल एक बार रह गई है तो इसको फिल करवाते हैं, और गाड़ी भी ऑलमोस्ट 3000 चल गई, 3000 पर ही नॉर्मली ऑयल चेंज करवाता हूँ, कभी 200-300 किलोमीटर पहले करवा देता हूँ, और अगर मैं ओवर भी चलाऊँ तो 100-150 किलोमीटर चलती है, इतने से कुछ नहीं होता विद इन सिटी ड्राइव। तो आज मेरा मूड था सुबह से निकलने का, पर सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो शाम को जाके तो ऑयल गाड़ी का चेंज करवाते हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो छोटी सी एक बना लेते हैं, और अभी आपको जाके दिखाता हूँ, पेट्रोल फिल करवाते हैं उसके बाद जाके ऑयल गाड़ी का चेंज करवाते हैं। ले जी आ गए हैं पेट्रोल पंप, होने लगी है जेब खाली। टैंक ओपन कर दूं, इधर आया आप। अच्छा पेट्रोल पंप पर ही आया था, तो मैंने कहा चलें आपको पेट्रोल पंप की एक ट्रिक बता दूं कि आपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर किस तरह डलवाना है। कभी भी आप कोई एक फिक्स प्राइस वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी में अंदर फिल ना करवाएं, जिस तरह 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500, 2000, अगर आपने फिल करवाना है तो इस तरह आप करवा सकते हैं, 1020, 1030, या फिर आप उनको कहा करें कि जिस तरह 4000 का करना है जिस तरह मैं करने लगा, पर आपने मीटर फिक्स नहीं करना। ये कार बॉयज के लिए जो सी है सबसे अच्छी फीलिंग होती है, जब पेट्रोल के बार्स जो से हैं वो ऊपर ऊपर जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी 2600 का तेल गाड़ी के अंदर डला है, 4000 का मैंने उनको कहा है और फिक्स नहीं करवाया। कर दे 4000 का। ले जी पेट्रोल तो हुआ फिल,
4000 का 3900 की टैंकी फुल हो गई है, मैंने ढक्कन तक नहीं करवाई। कहते हैं, मैंने मुझे कंफर्म नहीं पता कि क्या नुकसान होता है, कहते हैं ढक्कन तक जो सी है वो फिल नहीं करवानी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी इस चीज़ को, मुझे भी इस चीज़ का कंफर्म नहीं कि क्या मसला होता है। तो खैर, मैंने कौन सा कराची जाना है, ख़त्म होगा तो फिर डलवा लेंगे। अभी भी वैसे भी मेरा एक हफ्ता जो ना ये इतने फ्यूल के साथ निकल जाना है, तो ठीक है। बाकी अब चलते हैं जाके गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करवाते हैं। और जो रेंज है वो 471 की आ रही है। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा चलती है। कोई नहीं, विद इन सिटी अगर इसको चलाएं तो इतने किलोमीटर नहीं चलती। वैसे भी आजकल गर्मी है, आइडल पोजीशन पर गाड़ी ज़्यादा रहती है, चलती है काम में आइडल पोजीशन पर ज़्यादा रहती है, तो फिर जो है ना ठीक है बस। A few moments later. नहीं जी, मैं आ गया हूँ ऑयल वाली शॉप पर। ये बस अपने ही वाकिफ कार बंदे हैं, इनसे ही मैं ऑयल परचेज करता हूँ। ये बेसिकली एजेंसी से परचेज करती हैं, इनका ऑयल जो है वो अच्छा है, तो इधर से ही मैं चेंज भी इन्हीं से ही करवा लेता हूँ। तो अब मैं अंदर से होके आया, अंदर जाके मैं कैमरा ओपन नहीं करूँगा, अंदर बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी क्राउड के अंदर जो है ना कैमरा निकालने से होता है। एक तो यहाँ कैमरा जिस तरह ही पॉकेट से निकाल लें हर बंदा आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है, तो अभी भी वो देख रहे हैं कि अंदर बैठ के कार क्या रहा है मोबाइल के साथ। खैर, अंदर जाके ऑयल परचेज करते हैं और गाड़ी का ऑयल जो है वो चेंज करवाते हैं। मैं अंदर से हो क्या तो मेरे आने तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, देखने अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैंने आके देख लेना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऑयल लेके आया, ये मेरे ख्याल से अब एक दो माह बाद ही खराब हो जानी बैटरी। चल जाएगी, चलें देखते हैं कितनी देर। वैसे ऑलरेडी बैटरी को जो है ना काफ़ी, तो 1.5 साल हो गया बैटरी का, अभी तक स्टार्ट वगैरह तो ठीक होती है, कोई इशू नहीं आया। मैं पानी का ख्याल रखता था पर जो है ना इस दफ़ा गर्मी का जो है ना झटका लग गया। ये ऑल्टो के अंदर करते हैं जाके पूरा। इंजन काफ़ी गंदा हुआ है, इसको करेंगे डिटेलिंग जाके। उस दिन बॉडी कर ली थी, इंजन नहीं था, मैंने किया। इसके ऊपर से कैप बंद करे, इसको करता हूँ मैं स्टार्ट। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ऑयल अभी उन्होंने किया है अंदर, देख सकते हैं आप लाइट जो सी है। इतना टाइम लगता है ऑफ होने में क्योंकि ऑयल ने जो है ना वो फिल्टर तक जाना होता है। और कभी भी आप ऑयल चेंज करवाते ही गाड़ी की, अक्सर कहीं कहते हैं ना कि गाड़ी की रेस दें थ्रॉटल दें, वो कभी भी नहीं देनी चाहिए, इंजन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जिस तरह ही आप ऑयल गाड़ी स्टार्ट करते हैं इसने फिल्टर के अंदर जो है ना ऑयल भेजना होता है, तो इसलिए जो है ना आप कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करते ही थ्रॉटल ना दें। इसको 1-1.5 मिनट जो है ना उसको स्टार्ट कंडीशन के अंदर आइडल पोजीशन पर ही रहने दिया करें, ताकि जो है ना वो ऑयल अपनी जगहों पर फिल्टर के अंदर आराम से पहुँच सके। तो अब जाते हैं अंदर और जुर्माना है वो पे करके, तो आके आपको फिर एक और बात बताता हूँ। हाँ जी, चैनल सब्सक्राइब किया है आपने? यार देख लें, अभी तक चैनल नहीं आपने सब्सक्राइब किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा था, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको कह रहा था कि अपनी गाड़ियों के जो से लेवल है पानी के लेवल और ऑयल का लेवल चेक करें। और मुझे जो है ना अभी यहाँ पहुँचाऊँ तो एक टीका लग गया छोटा सा, चेक किया तो बैटरी की जो कंडीशन थी वो देख के मुझे लग रहा था कि बैटरी जो सी है ना वो अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हुई है। बैटरी यार मेरे से मेंटेन नहीं की जाती, इससे पहले मैंने बड़ी बैटरियाँ उड़ाई हैं। मैं आप कह सकते हैं ना कि इंजन गाड़ी का लो गाड़ी छोड़ रही हो और इंजन को मेंटेन रखना है तो वो उसके अंदर मुझे कोई इशू नहीं, मैं गाड़ी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। पर बैटरी हमेशा मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ इसको मेंटेन करूँगा पर मेरे से नहीं मेंटेन की जाती। और ड्राई बैटरी के साथ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस वजह से मैंने ड्राई बैटरी इस दफ़ा गाड़ी के अंदर नहीं लगवाई। मैंने लास्ट टाइम लगवाई थी ड्राई बैटरी तो 4 माह बाद जो है ना वो ख़राब हो गई। चले कोई मसला नहीं, डिफेक्टिव पीस आ जाता है। और फिर उसके अंदर मुझे उसको वारंटी के अंदर भी नहीं क्लेम हुई, वो कहती हैं इस तरह आपको पता है वारंटी के अंदर फिर आपको 100 चीज़ें सुनाती हैं, तो वो फिर नहीं चेंज हुई। इसलिए फिर मैंने ये लिक्विड बैटरी ये वाली यूज़, तो इसलिए अब मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ियों के जो बैटरीज का पानी है उनको भी लाजमी चेक करें, क्योंकि आजकल गर्मी है और गर्मी की वजह से
बैटरी सूख जाती है। जिन गाड़ियों की बैटरी नहीं है ना, तीन तीन माह पुरानी है, उनकी बैटरियां भी सूख रही हैं। गाड़ी के ऊपर कोई पैसा लगाए ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये आपके साथ होता है कि नहीं होता? मतलब आपको अंदर से जो होती है ना एक सेटिस्फेक्शन होती है, चाहे वो आप गाड़ी का ऑयल चेंज करवा रहे हैं, चाहे गाड़ी की आपको डेकोरेशन का काम करवा रहे हैं, मुझे बहुत मजा आता है। एक और चीज़ मैंने बतानी याद नहीं रही, मैंने एयर फिल्टर नहीं आपके सामने अभी रिप्लेस करवाया, वो मेरे पास ना घर में पड़ा हुआ है, मैं दो तीन कट्ठे ले लेता हूँ, तो वो मैं जाके अब खुद ही गाड़ी का रिप्लेस कर लूँगा। एयर फिल्टर मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, तो बाकी ऑयल फिल्टर और ऑयल मैंने चेंज करवा लिया। ऑयल का नाम आपने देख ही लिया, मैंने बोला नहीं क्योंकि वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए आपने देख लिया, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। ऑयल जो मैंने यूज़ किया आपने देख लिया। आज की वीडियो जो सी है वो प्लान के अंदर शामिल नहीं थी। वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं माइंड के अंदर रखता हूँ कि सुबह वीडियो बनानी है या कल बनानी है या इस तरह करके। आज की वीडियो अचानक वीडियो है और मुझे मज़ा आया वीडियो बनाने के अंदर, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।